सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी की गई है, जिसमें कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जो जांच की टीम है वो पहुंचने वाली है, और जाँच किस प्रकार से की जाएगी, किस संबंध में की जाएगी, इसके लिए विभाग की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। और इसका डेट भी फिक्स कर दिया गया है कि किस ज़िले में कितने तारीख को कौन सी टीम पहुंचेगी और क्या क्या तैयारियां आप लोगों को करनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जाँच टीम पहुँचती है तो सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या तैयारियां करनी है इन संबंध में आप लोगों को इस वीडियो में सही सही जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। देखिए, लिखा गया है आदेश, प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लंबाई ऊँचाई की माप लेने हेतु वृद्धि निगरानी सप्ताह का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर वृद्धि निगरानी सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें कि बच्चों का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो पोषण ट्रैकर ऐप पर अपडेट किया जाता है और साथ ही रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। वृद्धि निगरानी एवं केंद्रों पर लाभुकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के गुणवत्ता के निरीक्षण और अनुसरण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय पदाधिकारियों और सलाहकारों को नामित किया जाता है। देखिए, आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पर जो जाँच टीम पहुँचेगी वो सबसे पहले आप लोगों को बच्चों का जो वृद्धि निगरानी होता है उससे रिलेटेड आप लोगों से जो सवाल है वो पूछ सकती है कि वृद्धि निगरानी, जैसे कि बच्चों का स्थिति क्या है, पोषण ट्रैकर ऐप पे जो आप लोग बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेट करती हैं और जो रजिस्टर मेंटेन करती है उसमें आप लोगों को जो गलत डेटा वाइज तो नहीं चला है, इस संबंध में आप लोगों से पूछताछ की जा सकती है। साथ ही अन्य सेवाएं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जो लाभुकों को अन्य सेवाएं दी जाती है उस संबंध में भी आप लोगों से पूछताछ की जा सकती है। नीचे पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे किन किन मुद्दों पर आप लोगों से सवाल किया जा सकता है और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारियाँ कर लेनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो राज्य स्तरीय टीम है वो किस ज़िले में किस डेट को जाने वाली है इसका पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके समझा देता हूँ, बता देता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अपने ज़िले का नाम और डेट यहाँ पे देख सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि क्रम संख्या दिया गया है, पदनाम दिया गया है, भ्रमण हेतु जिला दिया गया है और तिथि यहाँ पर दिया गया है। मैं यहाँ पे जो पदनाम है उसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ज़िला है और जो डेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस डेट को किस ज़िले में जो जांच टीम है वो पहुँच सकती है, ठीक है। तो आप अपना ज़िला यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। सारण 5 जुलाई को यहाँ पे टीम पहुँच सकती है, रोहतास 5 जुलाई, कैमूर 4 जुलाई, बक्सर 4 जुलाई, पटना 5 जुलाई, भागलपुर 4 से 5 जुलाई, मुंगेर, जमुई एवं बांका 4 से लेकर 6 जुलाई तक यहां पे टीम पहुंच सकती है, अररिया एवं किशनगंज यानी कि 4 से 5 और 6 तारीख को यहां पे टीम पहुंच सकती है। तीनों दिन में कभी भी आप लोगों के जो ज़िला है वहां पे ये टीम पहुंच सकती है। जहानाबाद एवं अरवल 4 से लेकर 5 जुलाई, गया एवं औरंगाबाद 4 से 5 जुलाई, पूर्णिया एवं कटिहार 4 से 6 जुलाई, समस्तीपुर एवं वैशाली 4 से 5 जुलाई, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर 4 से 5 जुलाई, सीतामढ़ी एवं शिवहर 4 से 6 जुलाई, बेगूसराय एवं खगड़िया 4 से 6 जुलाई, गोपालगंज एवं सिवान 4 से 6 जुलाई, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण 4 से 6 जुलाई, मधुबनी एवं सुपौल 4 से 6 जुलाई, लखीसराय एवं शेखपुरा 4 से 5 जुलाई, दरभंगा 4 से 6 जुलाई, मधेपुरा एवं सहरसा 4 से 6 जुलाई, नालंदा एवं नवादा 4 से 5 जुलाई। तो इस प्रकार से जिला वाइज और डेट यहाँ पे दिया गया है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक किस ज़िले में जो टीम है वो पहुँच सकती है, ठीक है। नीचे यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है कि जो जांच टीम पहुँचेगी वो किन किन मुद्दों पर यहाँ पे बात कर सकती है और किन किन मुद्दों पर जांच कर सकती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को घबराना नहीं है, जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जाँच टीम पहुँचेगी आप लोगों को सावधानीपूर्वक वहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। लिखा गया है, अनुसरण हेतु नामित पदाधिकारी सलाहकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पे निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन बिंदु है आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला जो पॉइंट है, नामित प्रत्येक जिला से कम 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण आवश्यक है, यानी कि जो जाँच टीम पहुँचेगी तो एक ज़िला में कम से कम 5 आंगनबाड़ी केंद्र की जाँच करेगी
तो जो जांच टीम पहुंचेगी तो कम से कम एक जिला में 700 से लेकर 1000 आंगनबाड़ी केंद्र होती है, तो उसमें से कम से कम 4 या 5 या हो सकता है 10-20 आंगनबाड़ी केंद्रों का वहाँ पर जाँच किया जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हो सकता है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुँचे भी ना, बट जिसके आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुँच जाती है जाँच टीम उसके आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या क्या सवाल की जा सकती है आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक केंद्र से कम 5 बच्चों यानी कि पोषण ट्रैकर के अनुसार 3 सैम्यम बच्चे एवं 2 अन्य समान बच्चे के वृद्धि निगरानी का भौतिक निरीक्षण एवं पोषण ट्रैकर में आंकड़ों की प्रविष्टि का मिलान किया जाना है। जैसे कि आप सभी लोग महीने के प्रथम सप्ताह में जो ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, जो पोषण ट्रैकर ऐप पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करती हैं और जो आप लोग रजिस्टर मेंटेन करती हैं उसमें क्या असमानताएं हैं, कि क्या आपने सही डेटा भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, किस प्रकार से जो सैम मैम बच्चे हैं उनकी स्थिति क्या है, कितने बच्चे सैम मैम के कंडीशन में है, कितने बच्चे नॉर्मल है, इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, अंडा दूध मूँगफली के वितरण की स्थिति, यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जो ये सारी चीज़ें वितरण की जाती है उसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से आपको मिल रही है, किस प्रकार से आप लोग वितरण कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, नए वृद्धि निगरानी उपकरणों का केंद्रों तक वितरण की स्थिति, यानी कि जो नए उपकरण आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कि मशीन जो वृद्धि निगरानी के लिए आप लोगों को दी जाती है उसकी स्थिति क्या है, आप लोगों को कितने जो मशीनें हैं वो मिली हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे रखने के लिए और उन मशीनों की स्थिति क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछताछ की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है, पोषाहार और एसीएम की सूची, दिवसवार मेनू सभी केंद्रों पर प्रदर्शन की स्थिति, यानी कि जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार और एसीएम वितरण की जाती है उसकी सूची, दिवसवार मेनू, जो जैसा कि दीवारों पे जो मेनू रहता है उस मेनू के हिसाब से जो पोषाहार है वो वितरण किया जाता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी पॉइंटों के बारे में आपसे वहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। साथ ही इसके अलावा आप लोगों को एक और बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जो आंगनबाड़ी केंद्र पे पहुंचेंगी तो आप लोगों का जो ड्रेस कोड होगा अपने ड्रेस कोड में वहाँ पे रहेंगी, जो बच्चे हैं उनको भी ड्रेस कोड में रखना है, साफ़ सफाई आप लोगों के अपने आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास रखना है, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग से आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आना है, जो छुट्टी का टाइमिंग है उसी टाइम पे आप लोगों को छुट्टी करना है और पोषाहार वगैरह आप लोगों का वहाँ पे बना होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हो सकता है कि इन पॉइंटों से हट के भी आप लोगों से सवाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा गया है, उपरोक्त नामित पदाधिकारी या सलाहकार को निर्देश है कि उक्त वर्णित तिथि को जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण कर उपरोक्त बिंदुओं पर अनुसरण एवं मूल्यांकन करना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही भ्रमण के दौरान आवश्यक तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेंगे, साथ ही भ्रमण उपरांत संलग्न प्रपत्र में भ्रमण प्रतिवेदन से निदेशालय को अवगत कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाके इन चीज़ों के बारे में आप लोगों से भौतिक सत्यापन की जा सकती है, आप लोगों से ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, मैंने शुरू में आप लोगों से बोला था कि जब भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे कोई भी जांच टीम पहुँचे तो आप लोगों को सबसे पहले धैर्य रखना है, जैसे कि आपसे जो जो सवाल पूछे आप लोगों को सही सही पहले सुन लेना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद आप लोग सही से उनका जवाब दीजिएगा, जो जो आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पर जो स्थिति है उसका आप लोगों को विवरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पे ये जांच टीम पहुँच सकती है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जांच से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दे दी है, साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अपने रजिस्टर को भी मेंटेन रखना है, जो आप लोग रजिस्टर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रखती हैं उसको भी रखना अनिवार्य है। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चे हैं वो बच्चों को उपस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है, हो सकता है इसके अलावा भी आप लोगों से कोई छोटी मोटी बातें पूछी जा सके। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद।